प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन को कंट्रोल करने के लिए किस किस एल्गोरिथम का हम लोग यूज़ करते हैं। तो लीकी बकेट और टोकन बकेट का हम लोग यूज़ करते हैं कंजक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो लीकी बकेट में कुछ प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ये था कि जब आपका बकेट फुल हो जाता था, बकेट जिसको नेटवर्किंग में बफर एरिया कहते हैं, जब आपका बकेट फुल हो जाता था तो बकेट से मैसेज डिस्कार्ड होती थी। डिस्कार्ड का मतलब लॉस होती थी, मैसेज आपका बर्बाद हो जाता था। तो उसी को रोकने के लिए, मैसेज आपका डिस्कार्ड ना हो, मैसेज आपका बर्बाद ना हो, उसी को रोकने के लिए टोकन बकेट एल्गोरिथम का इजाद किया गया। तो यहाँ पे क्या होता है, टोकन क्रिएट होती है, टोकन ऐड होते रहता है। आप देख सकते हो 1 token इज एडेड टू बकेट एट एवरी डेल्टा सेकेंड। पहले समझ लो यहाँ पे कि इसका हिंदी मतलब क्या है, ये इसका इजाद क्यों किया गया। तो टोकन बकेट में उतना ही मैसेज आएगा जितने में बाल्टी फुल हो जाए। अगर बाल्टी फुल हो जाती है तो मैसेज होल्ड हो जाएगा, ठीक है। जब तक आपकी बाल्टी फिर से खाली नहीं होती तब तक फिर से मैसेज नहीं आता। तो क्या होता है, मैसेज जो डिस्कार्ड होती थी बाल्टी भरने के बाद, जो मैसेज डिस्कार्ड होने का प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता है कि मैसेज आपका डिस्कार्ड नहीं होता। इसको समझता हूँ इस फिगर के थ्रू कि ये टोकन वर्ड का यूज़ यहाँ पे क्यों किया गया है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला, द टोकन इज एडेड टू बकेट एवरी डेल्टा सेकेंड। प्रत्येक डेल्टा सेकेंड में यहाँ पे बकेट में टोकन ऐड होता है। सपोज जितना टोकन ऐड हुआ उतना ही मैसेज आएगा, जितना सपोज 3 token ऐड हुआ तो 3 ही मैसेज फ्रेम के रूप में आएगा, पैकेट के रूप में आएगा बकेट के अंदर, ठीक है। सपोज 4 token क्रिएट होता है तो 4 ही मैसेज आएगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। जब तक आपका टोकन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, टोकन डिस्ट्रॉय होता है तो मैसेज फिर आपका आउटफ्लो होता है। 1 token डिस्ट्रॉय हुआ, मैसेज आपका आउट नीचे से निकला फिर ऊपर से मैसेज आया, ठीक है। 4 token क्रिएट हुआ तो आपका 4 ही मैसेज आएगा, 5 token की डेट हुआ तो आपका 5 ही मैसेज आएगा, जितना कैपेसिटी है बकेट का। फिर बकेट आपका फुल हो जाता है तो मैसेज आना रुक जाता है। जब तक आपका टोकन नीचे से डिस्ट्रॉय नहीं होता, बकेट के अंदर से डिस्ट्रॉय नहीं होता, सपोज 2 token डिस्ट्रॉय हुआ, 2 मैसेज निकला तो फिर ऊपर से आपका नया मैसेज आया। तो इतना समझ लो हिंदी में कि जब तक आपका बकेट फुल हो जाएगा तो आपका मैसेज आना रुक जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया हूँ। टोकन बकेट पे बहुत सारी वीडियो आपको नेट पे मिलेगी, बट किसी ने क्लियर कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं किया। बहुत लोगों ने बोला कि टोकन के फॉर्म में मैसेज आती है, तो ऐसा नहीं है। टोकन क्रिएट होता है, 1 token इज एडेड टू द बकेट एवरी डेल्टा सेकेंड। तो जितना टोकन ऐड होता है उतना ही मैसेज आता है, ठीक है, उतना ही मैसेज आता है, उसके बाद फिर रुक जाता है। फिर आपका टोकन डिस्ट्रॉय होता है, टोकन डिस्ट्रॉय होता है तो मैसेज आउटफ्लो होता है, मैसेज नीचे जाता है, फिर नया टोकन क्रिएट होता है, फिर नया मैसेज आता है, ठीक है, इतना ही फंडा है। तो टोकन बकेट एल्गोरिथम का हम लोग यूज़ करते हैं पैकेट को डिस्कार्ड से बचाने के लिए, पैकेट जो आपकी डिस्कार्ड हो जाती थी उसको बचाने के लिए। तो टोकन बकेट को और लीकी बकेट को एक साथ यूज किया जाता है। ऊपर में नेटवर्क लगा होता है, फिर आपका बीच में आपका टोकन बकेट और नीचे में आपका लीकी बकेट। देखो टोकन बकेट में क्या होता है, मैसेज जो आपका आउटफ्लो होता है वो कांस्टेंट फॉर्म में नहीं होता है। लीकी बकेट में एक फ़ायदा ये था, जो मैसेज आपका निकल रहा था, आउटफ्लो हो रहा था, वो कांस्टेंट फॉर्म में हो रहा था, ठीक है। तो अच्छे से मैसेज को भेजने के लिए हम लोग पहले नेटवर्क लगाते हैं। नेटवर्क तो लगेगा ही जहाँ से मैसेज आएगा, नेटवर्क के बीच में आपका टोकन बकेट लगेगा। टोकन बकेट से क्या होता है, मैसेज डिस्कार्ड होने से बच जाएगा। टोकन बकेट के नीचे में हम लोग लगा देंगे लीकी बकेट। लीकी बकेट से ये फ़ायदा होगा कि आपका मैसेज एक कांस्टेंट फॉर्म में आता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग कंजक्शन को कंट्रोल करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सको तो शेयर करो। कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, संडे मैं रिप्लाई कर दिया करता हूँ। तो जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।